हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में रिसेंटली रिलीज की गई है। तो ये जो पोजीशन है, ये इसका जो पोजीशन का नेम दिया गया है वो रिसेप्शनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क के नाम से इस पोजीशन को रिलीज की गई है। तो इसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की गई हैं पोजीशन डिस्क्रिप्शन में, और क्या जो सैलरी रहेगी और किस तरीके का ये जो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब पोजीशन है, ये मेनली मुंबई के लिए है। ठीक है, मुंबई में जैसे ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की ब्रांच। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की जो ब्रांच है मुंबई में, तो वहाँ पर इस पोजीशन को रिलीज किया गया है। तो इसमें जो सैलरी है वो मंथली डिफाइन कर रखी है उन्होंने, 39,000 से लेके 43,000 तक के बीच की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद में जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन अभी परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जो डिफाइन किया गया है कि परमानेंट नहीं है, पहले 6 मंथ्स के लिए आपको रखा जाएगा और उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस देख के 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसको साइन किया जाएगा आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहती है। तो ये इस पोजीशन के बारे में मतलब इतनी डिस्क्रिप्शन हो गई, सैलरी भी मैंने आपको उसमें बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो इसमें जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको रिसेप्शनिस्ट का भी वर्क करना पड़ेगा। जैसे होता क्या है कि जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन होते हैं उनके कॉन्सुलेट होते हैं, तो वहाँ पर विजिटर्स आते रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी मतलब कई बार विजिटर्स आते हैं, तो उन विजिटर्स को अटेंड करना, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना। और विजिटर्स अगर जैसे बाहर जा रहे होते हैं तो उनकी जैसे कोई टिकट होती है, टिकट लेनी, ये सब का इन सब का अरेंजमेंट करवाना, कैब फैसिलिटी, किसी डिस्टेंस पे उन्हें ट्रैवल करना है तो मतलब ये सब कैब फैसिलिटी ये अरेंज कर देना। कभी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस होती है, उसके भी जो मतलब सर्किट होते हैं, स्विच बोर्ड, ये सब मेंटेन करना। और कभी जो मतलब बैक एंड जॉब प्रोवाइड करना कैशियर के लिए, तो ये सारी जो भी होती हैं कि जनरल मतलब जो डे टू डे बिजनेस होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटन चल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में आपका जो रोल रहेगी और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो कोई ऐसी कोई डिफाइंड नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन ये जो सारे जो एरियाज हैं इसी जो रियाल्म के आसपास में आपकी जो ड्यूटीज रहेंगी वो इसमें डिफाइन की गई हैं। और इसमें जो एक चीज़ है यूनिक कि इसमें मतलब कोई भी आपका अभी जैसे एक्सपीरियंस उन्होंने कोई क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 4 ईयर का, जैसा कि हम जनरली देखते हैं अदर पोजीशंस में, जो वो डेफिनेटली इसको बिल्कुल हाईलाइट करके डिफाइन करते हैं अपने पोजीशन डिस्क्रिप्शन में कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मतलब डिफाइन नहीं की गई है क्लियरली। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि जो आप मतलब एक इक्विवेलेंट आपकी जो मतलब डिग्री होनी चाहिए, जैसे 12th पास आउट या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो ये चीज़ होनी चाहिए उसमें। एकदम मतलब स्पेसिफिकली बोला भी नहीं कि ग्रेजुएट, ऐसा कुछ नहीं है। तो 12th भी पास होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी होगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स भी होगी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मतलब और किसी भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, चाहे एज अ रिसेप्शनिस्ट आपका एक्सपीरियंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क आपका एक्सपीरियंस है, सो डेफिनेटली यू विल बी गिवन द प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जा सकती हैं। और उसके एडिशनल जो इन्होंने लैंग्वेज पर कमांड मांगी है वो आपकी इंग्लिश पे, ठीक है, इंग्लिश पर कमांड होनी चाहिए। और अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि, तो उसमें अगर आपकी हिंदी है, मराठी और गुजराती है, अगर इनमें से किसी भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेंगे वो कैंडिडेट्स। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में मतलब मुंबई में ये पोजीशन है वो लोकेट करती है, तो वहाँ पर जो मराठी होती है वो रीजनल लैंग्वेज होती है, आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए इन्होंने उस चीज़ को लैंग्वेज को ऑप्शन में रखा हुआ। तो ये क्वालिफिकेशन वहाँ पर रिक्वायर्ड हुई हैं। बाकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जितनी भी जैसे पोजीशन होती है जो 40 आवर्स हो गए वीकली, ये सारी रिक्वायरमेंट वहाँ पर आप को मतलब जो जो ये मतलब एनवायरमेंट दे रहे हैं जिस तरीके का ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, उसके अकॉर्डिंग 40 आवर्स आपको सर्व करने रहेंगे वीकली। तो ये सारी जो है ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन है,
बाकी जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन जो ऑफिशियली उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने रिलीज की है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल फाइंड द लिंक टू द पोजीशन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उसके बाद जो लिंक है लिंक के थ्रू ही आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन बिगिन करने का ऑप्शन आएगा, और उस ऑप्शन के जरिए आप जो है अपने डिटेल्स फिल कर देंगे और उसको फिल करके सबमिट कर देंगे, और जो भी आप ईमेल वहां पर रजिस्टर्ड करते हैं तो उसी वाया दैट मेल यू विल बी इंटीमेटेड अबाउट योर मतलब सिलेक्शन, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट कैसे होते हैं ये सब ईमेल के थ्रू होगा। जैसे कि प्रोसीजर था, पहले जो वीज़ा ऑफिसर बी की पोजिशन थी, जैसे जैसे आपने अप्लाई किया था ऐसे स्टेप्स होते हैं उसमें, तो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस पोजीशन के रिगार्डिंग, यू कैन मीन पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो एंड आई विल बी अप्लाइंग, मीन आई विल बी रिप्लाइंग ओवर देयर। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये है, और बाकी एक वो यूएस एम्बेसी में भी एक पोजीशन निकली हुई है, मतलब एक दो पोजीशन निकली हुई हैं, तो उसके बारे में भी मैं रिसेंटली वीडियो अपलोड करूँगा, so and mean arrange the time to watch that video also, so thank you very much and have a nice day, hope you guys are doing well and don't forget to subscribe the channel and also share it, so thank you very much and have a nice day.